हेलो गाइस गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर रहा था, तभी मुझे अचानक से TWS ईयरबड दिखे, तो मैंने सोचा फटाफट से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। फाइनली गाइस, आज हमारे पास ये फ्लिपकार्ट का ऑर्डर डिलीवर हुआ है, तो इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओ भाई, और इसके अंदर मिलता है हमें गाइस, अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ ना, तो फ्लिपकार्ट वाले पैकेजिंग बहुत ही अच्छी देते हैं। ये क्या होगा, तो मुझे तो लगा फट गया, पर कोई नहीं। ये रहा गाइस हमारा TWS ईयरबड। दोस्तों, का डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलती है। सबसे पहले ये इसमें मिलती है हमें केबल, कौन सी केबल है, USB, माइक्रो USB शायद। हाँ गाइस, ये माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है हमको इसमें। और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, बस गाइस इसके अंदर कुछ नहीं है, ईयरबड, माइक्रो USB केबल और कुछ ये डॉक्यूमेंट देखने को मिले थे हमें। चलिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं फटाफट से इसके अंदर क्या मिलता है हमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर रखा हुआ है ये एडाप्टर, इसे बोल सकते हैं आप, और ये रहे हमारे ईयरबड। ईयरबड काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी हल्के भी है गाइस, दोनों ईयरबड काफ़ी हल्के हैं, स्मॉल है और छोटे भी, क्या बात है गाइस। चलिए गाइस, इसे देखते हैं ये ऑन है या ऑफ है अभी। गाइस डालते हैं इसके अंदर। गाइस सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो इसमें आपको पूरा प्लास्टिक को देखने को मिल जाएगा। गाइस इसमें अगर हम आपकी पोर्ट की बात करें, तो इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, और साइड में ये USB केबल देखने को मिलता है, जिससे आप अपना फ़ोन वोन कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये ऐसे लगेगा इसमें गाइस, ऐसे इधर आप अपना फ़ोन लगा के चार्ज भी कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट दोस्तों, फ़ोन तो बाद में चार्ज करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ईयरबड की कंडीशन और क्वालिटी, आवाज़ इसकी कैसी मिलती है। सबसे पहले गाइस अपने ईयरबड को डालते हैं इसके अंदर और देखते हैं हमारा ईयरबड कितने चार्ज है, कितना क्या है। वाओ गाइस, ये रेड लाइट जली भाई, और इसमें इसमें भी रेड। गाइस मुझे लगता है मेरे एयरबड फुल चार्ज हैं, इसमें ब्लिंक नहीं हो रहा गाइस, इसमें मैं देखा ना ब्लू और रेड ब्लिंक होता है गाइस। ये रहा गाइस, देखो ये RGB लाइट ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, एकदम प्रीमियम वाली फील देती है लाइट। गाइस इसमें आपको वायरलेस वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, और गाइस इसकी ट्रांसमिशन डिस्टेंस 10 मीटर तो कंपनी वालों ने मेंशन की है, इसे एक्चुअली में तो इसे टेस्ट करने के बाद मालूम होगा इसकी ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितनी है। गाइस मैंने अभी डिब्बे पे एक बात नोटिस की है जो आपको भी दिखाना चाहिए। गाइस ये देखिए, इसका चार्जिंग टाइम 2 घंटे बता रहा है, और स्टैंडर्ड टाइम 280 घंटे बता रहा है गाइस, और म्यूजिक प्ले ईयरबड टाइम 5 घंटे बता रहा है गाइस। तो क्या एक्चुअली में इतना ये वर्क करेगा, लेट्स इसे तो हम टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे गाइस। और हाँ गाइस, एक बात मैंने नोटिस किया है कि इसमें बैटरी बैकअप बता रखा 3500 mAh, एक्चुअली में ये 3500 mAh है या नहीं है गाइस, इसे तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने दोस्तों इसे टेस्ट कर लिया है, मैं बताना चाहूँगा जो इसके बता रहे थे बैटरी बैकअप 280 घंटे ना, वो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये मानो आपका ये सारा दिन आराम से निकाल देगी बस, 280 घंटा तो आप भूल ही जाओ गाइस। और ईयरबड का जो बैकअप बता रखा था 5 घंटे ना गाइस, वो मैक्सिमम आपको 1.5 से 2 घंटे तक मिलेगा बस। गाइस मैं आपको इसकी अगर आवाज़ की बात करूँ गाइस ना, तो मुझे आवाज़ ऑलमोस्ट ओके सी लगी है, बट कभी कभी ना बैस होने के कारण ना आवाज़ हल्का फटी फटी सी आती है, बट इतना कोई नोटिस नहीं करेगा, आप इतना नोटिस करोगे ही नहीं क्योंकि आपको फील ही नहीं होगा इतना। मैं कहूँगा ना, जो ही है सेंसर मिलते हैं हमको ये वाले, बहुत ही अमेजिंग मुझे लगे गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, टच सेंसर है ना बहुत ही काम के गाइस, आप इस पर टच करके म्यूजिक प्ले कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब काफ़ी मतलब हेल्प होगी आपको इससे। गाइस मैंने इसका डिस्टेंस को देखा था, तो जिसमें डिब्बे में मेंशन किया हुआ था 10 मीटर, बट वो गाइस 10 मीटर वर्क करता ही नहीं है, मैंने देखा है ये करीबन 3 या 4 मीटर वर्क करता है बस। और गाइस हाँ, एक छोटी सी मेजर प्रॉब्लम मैंने अभी फेस की हुई है हाल ही में, जब ईयरबड आप कान में लगा के पैदल वर्क करते हो, कहीं जाते हो, तो ये कभी कभी ईयरबड अपने आप पुश प्ले होते रहते हैं, पता नहीं कि ये ब्लूटूथ वर्जन का प्रॉब्लम है क्या है गाइस, बट ये मैंने इशू देखा है इसमें। तो गाइज मेरे हिसाब से मेरा जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया है, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ गाइज, मैं मेरे चैनल पर अभी जल्दी में गिव अवे चल रहा है इसी ईयरबड का, जो कि मैं 5 ईयरबड का गिव अवे करूँगा गाइज। अगर आपको भी ईयरबड का गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके अपना पता एड्रेस मुझे जरूर सेंड करें, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।